नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 सालों में कमी आई है। साल 1950 से 2015 तक देश में हिंदुओं की आबादी करीब 7.82% घटी है। वहीं इस दौरान मुस्लिम आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ है। 1950 में देश में हिंदुओं की आबादी थी 84.68%, जो 2015 में घटकर 78.06% हो गई है। वहीं 1950 में देश में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.84% था, जो 2015 में बढ़कर हो गया है 14.09%। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी दी। अमित मालवीय ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी साझा की है। किसकी कितनी संख्या टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं, सिख हुए हैं 1.24% से बढ़कर 1.85%। जैन जो है वो घटे हैं। 65 साल में देश में 8% हिंदुओं की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। मुस्लिमों की आबादी में इजाफा हुआ है 9.84% से बढ़कर 14.03% हो गए हैं। मुस्लिम सिख हो गए हैं बढ़कर 1.85%। जैन घटे हैं, हो रह गए हैं 0.36%। तो ये 65 साल का आंकड़ा सामने आया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट, जो अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। बढ़ते आगे बात भोपाल की कर लेते हैं, जहां ईवीएम के दुरुपयोग की तस्वीरें वायरल हुई हैं। तस्वीरों में बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं बीजेपी नेता मेहर। ईवीएम से खिलवाड़ करते हुए बच्चे को देखा जा सकता है। चुनाव आयोग तक मामले की शिकायत पहुंच गई है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यहां पर एक बूथ के अंदर ईवीएम के पास एक बच्चा नजर आ रहा है, जो बीजेपी नेता है उनके साथ वो बच्चा है, और वो यहाँ देखिए बटन दबाता है। बल्ब छोड़ दी हो गई बेटा। क्या चलो, ये वीडियो पोस्ट किया गया है, बीजेपी नेता ने ही ये वीडियो पोस्ट किया है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। क्या चलो, हाँ बल्ब छोड़ दी हो गई बेटा। क्या चलो, हाँ बस बस छोड़ दी हो गई बेटा। क्या शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये वीडियो वायरल हुआ है, जरा बताएं इस वीडियो के बारे में। देखिए बिल्कुल, मैं आपको एक बड़ा अपडेट बता दूं कि ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, और उसके बाद भोपाल कलेक्टर ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। और जो विनय मेहर, जो जिला पंचायत के सदस्य और बीजेपी के नेता भी हैं, इन्होंने अपने जो गांव है वहां पर मतदान किया था, और अपने छोटे बच्चे को लेकर वो पहुंचे थे और उससे वोट डलवाया था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कलेक्टर ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और बीजेपी नेता पर FIR दर्ज करा दी गई है। इतना ही नहीं, वहाँ पर जो ड्यूटी पर तैनात पीठासीन अधिकारी और अन्य जो कर्मचारी थे जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है और उनसे कारण बताओ नोटिस भी उनको भेजा गया है। लेकिन जितना हम सभी जानते हैं, फोन तो मोबाइल जो मोबाइल फोन्स होते हैं वो तो अलाउड ही नहीं होते हैं अंदर। देखिए बिल्कुल यही कारण है कि इस पूरे मामले में पीठासीन अधिकारी सहित तमाम जो कर्मचारी अधिकारी जो निर्वाचन की प्रक्रिया में थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही जो दो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए थे, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि जो लोग वहां अंदर मतदान करने जा रहे हैं वो मोबाइल लेकर ना जाएं, इस बात की जिम्मेदारी उन लोगों की थी, उनके द्वारा भी काम में लापरवाही बरती गई। इस पूरे मामले को भोपाल कलेक्टर ने बेहद गंभीरता से लिया। तत्काल इस वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल इस मामले में संज्ञान लेते हुए बीजेपी नेता पर FIR दर्ज करा दी गई है।
पीठासीन अधिकारी सहित सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और इसके साथ ही दो जो पुलिसकर्मी थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। देखिए ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी न केवल राजधानी बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तमाम जो खबरें आई कि कई ऐसे लोग हैं जो अपना मोबाइल साथ में लेकर जाते हैं और जब मतदान करते हैं उस वक्त की तस्वीरें जो है वो कैद कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं निर्वाचन की जो गोपनीयता है उसको भंग करने का प्रयास किया जाता है और यही कारण है कि इस पर लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी FIR कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज की गई और राजधानी भोपाल से भी जो मामला सामने आया था इस मामले में भी कलेक्टर के निर्देश पर FIR दर्ज की गई है। जी ये वीडियो सामने कैसे आया था शैलेंद्र? देखिए ये जो वीडियो है ये खुद जो बीजेपी नेता है उनकी तरफ से ही सोशल मीडिया पर एक्स पर इसको जो है पोस्ट किया गया था और ये बताया गया था किस तरीके से वो लोकतंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चूंकि बीजेपी के नेता हैं और वो बीजेपी को वोट करके आए थे तो लोगों से अपील करने के लिए उन्होंने ये डाला था, लेकिन जिसमें सबसे बड़ी लापरवाही तो एक उन्होंने अपने छोटे बच्चा जो कि नाबालिग है उससे उन्होंने बटन दबाया, मोबाइल फोन लेकर गए, तो यहाँ पर हर नियम कानून का मजाक उड़ाया गया और बकायदा इस वीडियो को पोस्ट भी कर दिया गया और उसी के चलते ये एक्शन हुआ। शैलेंद्र भदौरिया आपका शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और अब एक्शन लिया गया है यहां पर आयोग की ओर से भी और प्रशासन की ओर से भी। बढ़ते हैं आगे, बात खरगोन की कर लेते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्हें झूठा बताया। इसके साथ ही कहा कि चौथे चरण में सभी 8 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी और पूरा प्रदेश मोदीमय है। बड़े कांग्रेस के नेता हुए घर में हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर से उड़ते उतरते घर में, लेकिन गरीब का ध्यान नहीं रखते। हमारी सरकार ने फैसला किया आपके 5 सिमल के अंदर भी कोई बीमार हो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाओगे और कोई कारण से उसको डाक के इसको इंदौर ले जाना, दिल्ली या बंबई ले जाना, उसकी जान बचाना है तो माननीय मोदी जी के लिए ताली बजा, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवा लेना आप सब। खंडवा में शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कहा है कि बीजेपी की 370 सीट आएगी और NDA 400 पार होगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी बौखला गए हैं और वो विदेशी विचारों से प्रभावित हैं। बौखलाए हुए हैं। देखिए कांग्रेस का भारतीय संस्कृति जीवन मूल्यों परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है, ये भारत की जड़ों से कटे हुए हैं। अब ये कहते हैं इनके नेता इनके सलाहकार कि कोई चीन जैसा लगता है, कोई नेपाल जैसा लगता है, कोई कहीं जैसा लगता है। अरे हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, एक ही चेतना सब में है और हम सब एक हैं, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। इनका भारत की जड़ों से माटी से विचार से जनता से कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो विदेशी विचारों से प्रभावित होकर काम करते हैं। इनकी सही जगह भारत नहीं है, इटली है। मुरैना में साइबर सेल प्रभारी ASI को गोली